हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में गुजरात के टॉप 10 नेचुरल प्लेसेस के बारे में। कुछ बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा और काफ़ी यूजफुल है, आपको मज़ा आएगा। तो वैसे तो गुजरात में काफ़ी सारी जगह है घूमने लायक, लेकिन मैं उनमें से टॉप 10 जो प्लेसेस है नेचुरल प्लेसेस जहाँ आप हाइकिंग ट्रैकिंग कर सकते हैं, वन डे ट्रिप कर सकते हैं, तो ऐसी जगह है काफ़ी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन और उसकी कुछ फैक्ट है वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 नंबर से। नंबर 10, भारत में सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन गुजरात को मिली है। तकरीबन 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा अकेले गुजरात के पास है, इसी वजह से वहाँ छोटे बड़े काफ़ी सारे बीच गुजरात में है। उनमें से सबसे नेचुरल और शांति की अनुभूति जहाँ हो वैसा शिवराजपुर बीच काफ़ी फेमस है। शिवराजपुर बीच गुजरात के पश्चिमी भाग के द्वारिका डिस्ट्रिक्ट में है। द्वारिका टू ओखा रोड पर द्वारिका से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और अहमदाबाद से 460 किलोमीटर होता है। अगर आप विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जगत मंदिर द्वारिका आए हैं तो यहाँ भी जाना मत भूलिएगा। शिवराजपुर बीच वहाँ से 11 किलोमीटर ही होता है। शिवराजपुर बीच का पानी बिल्कुल साफ और ब्लूइश दिखता है, मानो कि गोवा का बीच ही हो। शिवराजपुर बीच नहाने के साथ साथ स्कूबा डाइव भी कर सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा सनसेट देखने में आता है, बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है सनसेट का, जैसे सन समुद्र में ही डूब रहा हो ऐसा नज़ारा नेचुरली एकदम होता है। बीच को हाल ही में गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। वहाँ की एंट्री फी तकरीबन 30 रुपये है और सारी सुविधाएं वहाँ पे मुहैया कराई है। नहाने के बाद चेंजिंग रूम, वॉशरूम वगैरह है, कैंटीन है, खाने पीने की सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी। नंबर 9, 9वें प्लेस शिवराजपुर से नज़दीक ही पड़ता है, वो है नरारा आइलैंड मरीन नेशनल पार्क। समुद्र के अंदर बसी दुनिया को बिना समुद्र में गोता लगाए देखने का मौका मरीन नेशनल पार्क देता है। हमारे भारत में सबसे पहले यह मरीन नेशनल पार्क बना था, स्पेशली मरीन क्रीचर्स के लिए फेमस है। यहाँ पे आप 2-3 किलोमीटर का मरीन वॉक करके समुद्र के अंदर बसे जीवों को लाइव देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल नज़दीक से, जैसे कि ऑक्टोपस, पफर फिश, सी टर्टल, एल्गी, 37 टाइप्स ऑफ क्रेब्स, 57 टाइप्स ऑफ लाइव कोरल्स, स्टार फिश एटेक्स्ट्रा। यहाँ पे समुद्र किनारों में मैंग्रोव के जंगल है, जो गुजरात के ओखा से लेके कच्छ तक मैंग्रोव के जंगल फैले हुए हैं। मरीन नेशनल पार्क की एंट्री फी सिर्फ 50 रुपये है। जामनगर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, द्वारिका से आते वक्त 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बेस्ट सीजन नवंबर से मार्च तक का होता है, इन दौरान आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। बस लो टाइड का टाइमिंग देख लीजिएगा। इस प्लेस के बारे में मैंने ब्लॉग लिखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 8, इंद्रोड़ा पार्क गांधीनगर। गुजरात में यह सबसे अमेजिंग नेचुरल प्लेस है। यह प्लेस गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में है। अहमदाबाद से बाय द रोड 25 किलोमीटर होता है। इंद्रोड़ा पार्क को भारत का जुरासिक पार्क भी कहा जाता है, क्योंकि गुजरात के बालासिनोर में जब खोदकाम हुआ तब पाए गए वर्ल्ड के 3रे नंबर की साइट डायनासोर फॉसिल एक्सकेवियेशन साइट के अवशेष यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसे यहाँ संभाल के रखे हुए हैं, जिसमें डायनासोर के अंडे और कुछ अस्थियाँ यहाँ पे संभाल के रखी हुई है। इस पार्क में आप डायनासोर के बारे में और डायनासोर युग के बारे में देख और जान सकते हैं। इंद्रोड़ा पार्क में डायनासोर के रियल साइज के स्टैचूज भी रखे हुए हैं, जिससे देख के लगता है सही में सच्चा वाला डायनासोर ही हो। इसी के साथ साथ आप यहाँ लायन, लेपर्ड, स्लोथ बियर, क्रोकोडाइल्स, बियर्स एटेक्स्ट्रा एनिमल्स देख सकते हैं। यह सब एनिमल इस तरह के केज में रखे हैं, जैसे उसके नेचुरल हैबिटेट में ही हो। यहाँ अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स भी है। भारत के सबसे बड़ा चिड़ियाघर इंद्रोड़ा पार्क को माना जाता है।
इस पार्क को आराम से घूमने में पूरा एक दिन का टाइम लगेगा ही। नंबर 7, पोलो फॉरेस्ट। मानसून के बाद आप जंगल की सैर करना चाहते हैं और ट्रेकिंग के साथ साथ बर्ड वॉचिंग और नेचर का लुफ्त उठाना चाहते हैं तो आ जाइए पोलो फॉरेस्ट। पोलो फॉरेस्ट गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के विजयनगर तहसील में स्थित है। भारत की सबसे पुरानी अरावली हिल की फुट हिल पोलो फॉरेस्ट है। पोलो का मतलब होता है गेट, दरवाजा। गेट को मारवाड़ी लैंग्वेज में पोल कहते हैं, शायद इसीलिए इस प्लेस का नाम पोलो फॉरेस्ट होगा। यहाँ पे हर साल पोलो फेस्टिवल होता है। पोलो रेंज गुजरात का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। सच में मानसून के बाद विंटर में इसका नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन पहाड़ों की सुंदरता, अर्नव रिवर और उस पे बंधा वनज डैम, और साथ ही साथ पोलो जैन टेंपल और फॉरेस्ट के बीचों बीच आया 500 साल पुराना शिव जी का मंदिर है। पोलो विजयनगर प्लेस अहमदाबाद से 154 किलोमीटर बाय रोड होता है। नंबर 6, थॉर लेक। क्या आप चाहते हैं पंछियों की दुनिया में जाना, तो फिर आ जाइए अहमदाबाद से नज़दीक में ही आया हुआ थॉर लेक पे बाइनोक्यूलर और बर्ड गाइड बुक लेकर। यह प्लेस अहमदाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। नवंबर से लेके फेब्रुआरी तक का बेस्ट टाइम होता है थॉर लेक जाने का। वहाँ पर हर साल विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। 150 से भी ज़्यादा स्पीसीज बर्ड्स की यहाँ पे पाई जाती है। लाखों की तादाद में फ्लेमिंगोस और पेलिकन्स देखने का अद्भुत नज़ारा, और विंटर की अर्ली मॉर्निंग में हो रहा सनराइज देखेंगे तो यह प्लेस आपको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ अर्ली मॉर्निंग का टाइम ही बेस्ट होता है। नंबर 5, कबीर वर्ड। भरूच शहर के सुप्रसिद्ध शुक्ल तीर्थ से 15 किलोमीटर की दूरी पे नर्मदा रिवर के बीच में यह जगह स्थित है। हालांकि यह एक रिवर आइलैंड है, इसलिए यहां बोट से जाना पड़ता है। वहां पे बोट का चार्ज तकरीबन 10-20 रुपए होगा। कबीर वर्ड एक खूबसूरत और ऐतिहासिक प्लेस है। वहां पहुंचने के साथ साथ ही आपको सिर्फ और सिर्फ बरगद का पेड़ ही नज़र आएगा। कहा जाता है कि गुजरात के प्रसिद्ध संत श्री कबीर जी ने बरगद के पेड़ की एक डाली से ब्रश किया था, और वो डाली जहां फेंक दिया था वहां पे पूरा इस आइलैंड को ढक देने वाला बड़ा सा बरगद का ट्री उग गया। इस ट्री का फैलाव आज इतना हो चुका है कि उसमें उसका मेन थल कौन सा है वो भी मालूम ही नहीं कर सकते। आप यहाँ वन डे ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। यहाँ संत कबीर जी का टेंपल दर्शनीय है। नंबर 4, सापुतारा हिल स्टेशन। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र में सह्याद्री की हिल रेंज है। इसी वेस्टर्न घाट में सापुतारा बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। सापुतारा टाउन गुजरात के डांग डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। अहमदाबाद से 400 किलोमीटर होता है। खास करके लोग यहाँ पे विंटर और समर की शुरुआत में ही आते हैं। आपको ट्राइबल कल्चर और ट्रैकिंग और हाइकिंग इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो यह जगह आपके लिए बेस्ट विजिटिंग प्लेस है। वैसे भी यह प्लेस इतना नेचुरल और खूबसूरत है कि आपको यह प्लेस बहुत ही पसंद आएगा। सापुतारा में सनसेट पॉइंट, सापुतारा लेक, स्टेप गार्डन, लेक गार्डन, सापुतारा म्यूजियम, आर्टिस्ट विलेज, ये सब जगह मेन अट्रैक्शन है। नंबर 3, व्हाइट डिजर्ट ऑफ कच्छ। दोस्तों, क्या आपने सफ़ेद रण देखा है? नहीं तो आ जाइए गुजरात में। भारत के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट कच्छ में व्हाइट रण है। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में यह प्लेस अपने सफ़ेद सोल्टी डिजर्ट सैंड की वजह से वर्ल्ड फेमस है। रात में फुल मून के टाइम तो इसका नज़ारा ही कुछ और होता है। यहाँ पे आप फोटोग्राफी, कैमल राइडिंग, कैंप्स वगैरह एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इस प्लेस का बेस्ट विजिटिंग टाइम रण उत्सव के दौरान है। हर साल यहाँ पे गवर्नमेंट 3 मंथ का रण उत्सव प्लान करते हैं जो दिसंबर से लेकर फेब्रुआरी तक का होता है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। नंबर 2, ब्लैक बक नेशनल पार्क। गुजरात में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, साथ ही में सबसे लंबा 1600 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है। घने जंगल भी
27,000 स्क्वायर किलोमीटर का कच्छ डिजर्ट भी है। अब बाकी रह गया है तो सिर्फ ग्रासलैंड। तो चलिए चलते हैं वेलावदर। भावनगर से 72 किलोमीटर की दूरी पर वेलावदर ब्लैकबक सेंचुरी आई है। 1976 में एस्टैब्लिश्ड हुई यह अभयारण्य क्षेत्र पहले वहाँ के राजा की प्राइवेट लैंड थी। वो इस लैंड का यूज़ वहाँ पे पाए जाने वाले काले हिरण के शिकार में यूज़ करते थे। वो इस हिरण का शिकार सबसे तेज दौड़ने वाले एनिमल चीता से करते थे। हालांकि आज यह ब्लैक बक की तादाद काफ़ी तेजी से घट रही है, तो इस एनिमल को प्रोटेक्ट किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू और इस लैंड को भी। आज यह एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है और यहाँ ब्लैक बक यानी काले हिरण के साथ साथ हाइना, जैकल, ब्लू बुल्क ऐसे सभी एनिमल्स आपको इस बड़े ग्रासलैंड में अपने नेचुरल हैबिटेट में घूमते देखने को मिल जाएंगे। आज इस सेंचुरी का टोटल प्रोटेक्टेड एरिया 37 स्क्वायर किलोमीटर का है। आप खुद का व्हीकल लेकर जा सकते हैं या वहां से भी सफारी कार हायर कर सकते हो। वैसे खुद की कार ले जाना ही बेटर रहेगा क्योंकि हम आराम से नेचर का लुफ्त उठा सके और आराम से सभी जगह घूम सके। तो गुजरात में मोस्ट विजिटिंग नेचुरल प्लेस में वेलावदर दूसरे स्थान पर इसीलिए है कि ग्रासलैंड में भागते कूदते हिरण और बर्ड्स के बीच घूमने का मज़ा बहुत आता है और नेचर में इस एनिमल की फोटोग्राफी, बर्ड्स की फोटोग्राफी भी। यहाँ बर्ड्स में सबसे फेमस हरियर है। तकरीबन 3 टाइप्स के हरियर यहाँ ग्रासलैंड में मिल जाते हैं। ब्लैक बक इंडिया का सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है। उसके दौड़ने की रफ्तार तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति आवर होती है, मतलब कि एक स्पीड कार की एवरेज स्पीड जितनी। विजिटिंग का सबसे बेस्ट टाइमिंग दिसंबर से मार्च तक का होता है और अहमदाबाद से यह जगह 145 किलोमीटर होती है। नंबर 1, गिर नेशनल पार्क जूनागढ़। गिर या सासन गिर से भी जाना जाता है। गिर फॉरेस्ट 1412 किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है। गुजरात का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया। पूरे विश्व में एशियाटिक लायन का एकमात्र होम यह गिर फॉरेस्ट है। वर्ल्ड में सिर्फ गुजरात के इसी क्षेत्र में एशियाटिक लायन उसके नेचुरल हैबिटेट में यहाँ पाए जाते हैं। 19वीं सदी के एंड में पूरे भारत में से शेर की प्रजाति लुप्त हो चुकी थी, तब सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही शेर पाए जाते थे। वो भी सिर्फ 20 शेर बचे थे इस जूनागढ़ क्षेत्र में। तब जूनागढ़ के नवाब सबसे पहले हंटिंग रोक कर लायन के कंजर्वेशन की शुरुआत की थी। आज 500 से भी ज़्यादा एशियाटिक लायन अपने वाइल्ड हैबिटेट में गिर में घूमते नजर आ जाते हैं। हर साल यहाँ पे लाखों विजिटर आते हैं। 2016-17 में एक ही साल में 5 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट ने विजिट किया था और उनसे 10 करोड़ रुपीस की इनकम गवर्नमेंट को हुई थी। गिर एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। इसी के साथ साथ अलग अलग तरह के बर्ड्स के लिए भी फेमस है। भारत के बर्ड मैन डॉक्टर सलीम अली ने गिर की विजिट के बाद कहा था कि गिर में लायन ना होता तो यह जगह बर्ड्स के लिए फेमस होती। गिर विजिटिंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना होता है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जिप्सी कार और बस देवलिया पार्क के लिए आप बुक कर सकते हैं। अप टू 6% का चार्ज 800 रुपये होता है। बेस्ट सीजन विंटर और समर है। 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक यह क्लोज रहता है। अहमदाबाद से सासन गिर बाय रोड 340 किलोमीटर होता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं तो जूनागढ़ तक आपको बस, ट्रेन गुजरात के किसी भी सिटी से मिल जाएगी और जूनागढ़ से सासनगिर जाने के लिए टैक्सी भी मिल जाएगी। सासनगिर में खाने पीने और रहने की सुविधाएं, व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने और प्राइवेटली भी टूरिस्ट के लिए उपलब्ध है। तो यह थे गुजरात के टॉप 10 घूमने लायक नेचुरल प्लेसेस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।